जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, सोमवार का दिन 14 फरवरी, आयुष्मान योग, पुनर्वसु नक्षत्र 11:53 तक बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में शनि और बृहस्पति का प्रभाव आप पर रहेगा। आज तुला राशि वालों के लिए शनि बृहस्पति बुध का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा मंगल शुक्र की दृष्टि। तुला राशि वालों के लिए आज शनि बृहस्पति का प्रभाव, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सुख स्थान में बैठा है। आज का दिन शुभ मांगलिक कार्य करने का दिन है, क्योंकि आज शनि का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में आपके हाथों से शुभ काम करवाएगा। आज आपके जीवन में सौभाग्य, सुख, धन लाभ का सुंदर योग है, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र जो 11:53 के बाद आपकी कुंडली में बहुत धन समृद्धि और सुख देने वाला है। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है। 11:53 के पहले पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति और चंद्रमा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र का शनि और बृहस्पति। शनि जिसके मित्र ग्रह बुध, शुक्र, राहु, बृहस्पति जिसके मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल। इस समय आपकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। जब बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर होता है तो आपके जीवन में अच्छे काम होते हैं, आपके जीवन में शुभ काम होते हैं, आपके जीवन में लाभ होता है, आपके परिवार में खुशियां बढ़ती है और आप धन प्राप्त करते हैं। आज शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बुध के साथ गोचर कर रहा है। जब बुध के साथ शनि का गोचर होता है तो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य, शुभ और समृद्धि का योग बनता है, यानी अपने जीवन में आप धन भी कमाते हैं, मान सम्मान भी पाते हैं, सफलता भी मिलती है और सफलता का भोग भी करते हैं और आपके हाथों से शुभ काम भी होता है। क्योंकि जब शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान से उदय होकर आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। चंद्रमा की दृष्टि बुध पर है, बुध पर शनि का प्रभाव है, वहीं शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है। मंगल के साथ शुक्र का गोचर है, शनि के साथ बुध का और बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर, यानी आपकी कुंडली के धन स्थान में केतु बैठा है, जबकि आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में मंगल और शुक्र का गोचर है। आपकी कुंडली के सुख स्थान में बृहस्पति बुध बैठा है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बृहस्पति का प्रभाव है, राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। जब शनि के साथ बुध की उपस्थिति होती है, जब बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर होता है तो समय आपके लिए बड़ा भाग्यशाली बनता है। ऐसे समय में ही आप जीवन का सुख प्राप्त करते हैं, ऐसे समय में ही धन का लाभ होता है, ऐसे समय में ही कार्य में सफलता मिलती है, ऐसे समय में ही यश की वृद्धि होती है, यानी आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्य सौभाग्य को चमकाने वाला, जीवन में सफलता कामयाबी लेकर आने वाला सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि आज बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर है।
सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है, जबकि बृहस्पति पराक्रम स्थान का स्वामी जो पंचम भाव में गोचर कर रहा है। आपके जीवन में जो पाप है, आपके जीवन में जो दरिद्रता है, आपके जीवन में जो बाधा है, आपके जीवन में जो विफलता है, आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, उसे आज शनि बृहस्पति बुध के प्रभाव से दूर होने का योग बन रहा है। आज आप कोई नया काम शुरू करेंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में नए काम की शुरुआत करना बड़ा ही शुभ होता है। इस काम से आपको धन भी मिलता है, आपके जीवन में लाभ भी प्राप्त होता है। बृहस्पति शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। आज आप मेहनत करते हैं, बड़ा प्रभावशाली हैं, इसलिए आपके जीवन में विशेष तौर पर बड़ा लाभ होता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव और पुष्य नक्षत्र में शनि का प्रभाव आपके लिए बड़ा सौभाग्य लाभ लेकर आता है। बृहस्पति जो जीवन में ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, शनि जो आपके जीवन के कष्टों को दूर करता है, आपके जीवन में साहस देता है, शुभ सुंदर सुख संपत्ति देने वाला पुष्य नक्षत्र में बड़ा कल्याणकारी योग बन रहा है, जिससे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि के संयोग से ही आपके जीवन में हर कठिनाइयां परेशानी दूर होती है। मेहनत और परिश्रम से आप जीवन में तरक्की करते हैं, बड़ी खुशखबरी भी मिलती है, आपके जीवन में बड़ा लाभ भी प्राप्त होता है, धन कमाने का साधन, जीवन में उन्नति तरक्की बृहस्पति और शनि से आपको प्राप्त होता है। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन से नकारात्मक विचार दूर होगा। आज आप एनर्जेटिक होंगे, लोकप्रिय होंगे, यानी आपके जीवन में जो लाभ उन्नति समृद्धि सौभाग्य का योग बन रहा है, आपके जीवन में भरपूर खुशी और धन देगा। कहा जाता है पुष्य नक्षत्र में तुला राशि के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनि का प्रभाव आपके जीवन में भरपूर उन्नति तरक्की लेकर आता है, जबकि बृहस्पति खुशियों को बढ़ाता है, आपको भाग्यशाली बनाता है। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्म स्थान में गोचर कर रहा है, जो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहा है। ऐसे समय में आप अपने मेहनत से बड़ी सफलता पाते हैं, ऐसे में अपने मेहनत से जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हैं। पुष्य नक्षत्र में तुला राशि के जीवन में बड़ा लाभ होता है। पुष्य नक्षत्र में तुला राशि के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, आपके जीवन में सुख बढ़ती है, भाग्य का उदय होता है, आपके जीवन में बड़ा लाभ होता है। ये शुभ संयोग आपके जीवन में आपको भाग्यशाली बनाएगा, हर तरह का सुख संपत्ति देगा और आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य कराएगा। आज का पुष्य नक्षत्र आपके लिए बड़ा लाभ का मनवांछी सफलता देने वाला सुंदर योग बना रहा है। पुष्य नक्षत्र में आपके जीवन में अटके हुए सारे काम पूरे होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन में विशेष तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, एक नई शुरुआत आपके जीवन को और भी ज्यादा गति देगा, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगा। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 14 फरवरी सोमवार का दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, आयुष्मान योग, पुनर्वसु नक्षत्र 11:53 तक, बृहस्पति चंद्रमा का प्रभाव, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में शनि और बृहस्पति का प्रभाव। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी है, जिससे आपके जीवन में भाग्य सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन में सफलता कामयाबी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, उन्नति तरक्की होगा, जीवन की बाधा दूर होगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, आपके जीवन में भरपूर लाभ और आनंद की प्राप्ति होगी। सुखी जीवन, खुशहाल जीवन,
समृद्धि सुख वैभव के साथ आज सांसारिक सुखों का आप भोग करेंगे। आपके जीवन में बड़ा लाभ का योग है, बड़ा सुख संपत्ति प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र में शनि और बृहस्पति ऐसा ही संकेत आपकी कुंडली में बना रहा है। आपके आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देगा। आपका उत्साह उमंग जीवन में नए नए अवसर लेकर आएगा। आज आप जीवन में आनंद और सुख के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, सफलता और कामयाबी मिलेगी। तुला राशि वालों, आज दिन की शुरुआत सुबह 5:18 पर आरंभ होगी, जो 6:09 तक उस समय पुनर्वसु नक्षत्र होगा। बृहस्पति और चंद्रमा के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी। बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर है और चंद्रमा कर्म स्थान में गोचर कर रहा है, जो आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, मनवांछित सफलता देगा, आपके जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाएगा। तो दिन की शुरुआत बड़ा शानदार होगी। आज बड़ा लाभकारी दिन है, आपके सपने पूरे होंगे, आपके जीवन में तरक्की सौभाग्य का योग बनेगा। तुला राशि वालों, आज सर्वात सिद्धि और रवि योग भी 11:53 से आरंभ होगा। सर्वात सिद्धि योग में आज पुष्य नक्षत्र में शनि के प्रभाव से भाग्य के सितारे चमकेंगे। आज सर्वात सिद्धि योग में आपके लिए लाभ का योग बनेगा, सुख का योग बनेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:58 का समय, बृहस्पति का प्रभाव और मंगल की दृष्टि। आपके जीवन में कोई ऐसा घटना घटित होगा जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ेगा और आपको उन्नति के तरफ आगे बढ़ाएगा। जीवन का हर कदम सफलता कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा और अपने जीवन में आप भरपूर सुख और धन का लाभ उठाएंगे। आज आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे और अभिजीत मुहूर्त में आपके जीवन में कोई कल्याणकारी कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा। आज का विजय मुहूर्त 2:27 से 3:12 का समय, जब शुक्र की दृष्टि होगी, शनि का प्रभाव होगा, राहु की छाया होगी, यानी जीवन का कष्ट भी दूर होगा, जीवन में सफलता भी मिलेगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। रात्रि 9:11 से 10:55 का समय, ये समय जीवन में सुखों का भोग करने का समय है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में आप बड़ा भाग्यशाली होते हैं। आपके बच्चे उन्नति करते हैं, परिवार में खुशियां बढ़ती है, आपके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है, पारिवारिक जीवन खुशहाल होता है। आज का राहु काल सुबह 8:24 से 9:48 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज शनि बृहस्पति बुध का प्रभाव है, राहु की छाया है, चंद्रमा मंगल शुक्र की दृष्टि है, तो पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर हरा होगा और लक्की नंबर 6 होगा। तो तुला राशि वालों के लिए सोमवार का दिन 14 फरवरी त्रयोदशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र 11:53, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शनि बृहस्पति बुध का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा मंगल शुक्र की दृष्टि। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी हर संकट को हरेंगे, हनुमान जी रुके हुए काम को पूरा करेंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही मनोकामना की पूर्ति होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही शनि दोष खत्म होगा, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में सुख धन की प्राप्ति होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही जीवन में एक नई शुरुआत, सफलता, कामयाबी आपको प्राप्त होगी। तो तुला राशि वालों, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। ग्रह पे आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।